लोग आज 4 अप्रैल है और मैंने आज सोचा कि भाई साहब आज तो किसी का भाई किसी का जान का टेलर शायद आ सकता है, लेकिन भाई टेलर नहीं आया। लेकिन उसके बदले में जो गाना आया ना भाई साहब, वो टेलर से एकदम भी कम नहीं भाई। अब लग रहा है जितना भी 4 गाना आया ना, सच में बता रहा हूँ, 4ों गाना में कुछ उस टाइप का वाइब नहीं है जिसे मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलते आता हूँ, जितने भी सॉन्ग आते हैं कि भाई वो फील नहीं हो रहा है कि किसी का भाई किसी का जान आ रहा है, कोई ऐसा सॉन्ग हो आइटम्स हो। लेकिन भाई साहब ये यंतमा जो गाना आया ना भाई, अब लग रहा है भाई साहब हाँ, अब जो ईद के टाइम में ना भाई मोहल्ला पाड़ा में जो बजता है ना बॉक्स में, अब ये गाना बजने। तुम सच बताना, जितने भी गाने कोई भी गाना तुमको याद है, एक लाइन भी बहुत सारे कम लोगों को याद होगा। हाँ कोई भी गाना है भाई साहब, इसमें देखा तुमने सलमान खान का डांस, मतलब एक नया लुक, और सलमान खान लग भी रहे भाई साहब अब एकदम फुर्ती में है ना। जैसे स्टार्टिंग होता है अपने कल्लू भाई की एंट्री होती है, अब कल्लू भाई से तुमको याद होगा भाई साहब मोबाइल बस है, जिसका हर फिल्म में शायद सलमान खान के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जैसे बॉडी गार्ड ले लो या वॉन्टेड ले लो, हमेशा उस कल्लू का मोबाइल बस है भाई। तो यहाँ पर भी उस कल्लू का स्टार्टिंग में एंट्री दिया गया, उसके बाद से जो गाना पिकअप में भाई साहब डांस होता है ना भाई, वेंकटेश और सलमान खान की जोड़ी भाई, सलमान खान व्हाइट लुक यार येलो शर्ट में भाई साहब यार जो डांस कर रहे हैं ना भाई, देख के सच में मतलब देखो ये गाना तुमको सुनकर भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और भाई साहब जब वीडियो देखोगे ना भाई उसमें तो और भी ज्यादा मजा आएगा। देखो 3 मिनट 16 सेकंड का गाना है, कहीं पर भी हमको या तुमको ऐसा फील नहीं देगा कि भाई यार बोरिंग लग रहा है, जिससे मुझे 2-3 गाने लगे थे इस गाने मतलब इस फिल्म के, लेकिन भाई इस गाने में कुछ ऐसा टाइप का लगा ही नहीं। बस जैसे ही गाना का 70% खत्म होगा, भाई साहब रामचरण की एंट्री, ओ भाई एकदम बैक स्टाइल करके, उसके बाद से तीनों लेजेंड जब एक साथ डांस करते हैं ना भाई साहब, या तो माहौल बदल जाता है भाई। सही बता रहा हूँ, देखो ये जो गाना होगा ना, या तो मेरे हिसाब से, देखो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से या तो लास्ट में देगा मूवी का, या तो कहीं पर ऐसा जगह देगा भाई साहब जहां पर ना ऑडियंस उठ कर तो डांस करेगी भाई साहब। इस मूवी को अगर देखने जाना भाई तो तुम अपने नॉर्मल हॉल में जाओ, ऐसे हॉल में मत जाओ, बहुत बड़े हॉल PVR वगैरह है ना उसमें, जहां पर कपल आते एकदम रईस के रहते हैं, एकदम एक तो पॉपकॉर्न खाते हैं, कुछ भी अगर कॉमेडी भी सीन आए तो हंसना मना है, क्योंकि तुम्हारी इज्जत चली जाएगी भाई साहब, भाड़ में जाए सब चीज। ये सब मूवी को देखने के लिए तुमको उस टाइप का हॉल में जाना है जहां पर तुम अपने एक्साइटमेंट को दिखा सको भाई की हाँ तुम एक्साइटमेंट। उसके बाद भाई पूजा हेगड़े ने भी भाई साहब लुंगी पहनी है, और भाई बता दूं भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल के लिए, उसका तो ज़्यादा क्लोजअप नहीं लिया गया लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग गया भाई। जितने भी डांस स्टेप है ना भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे को अब याद आ गया, थोड़ा थोड़ा वाइब्स आने लगा भाई साहब लुंगी डांस वाला। भाई यार इतने साल बाद फिर से एक ऐसा गाना आया जिसे हम लोग रिपीट मोड में बार 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 सुन सकते। आपको याद होगा चेन्नई एक्सप्रेस का जो गाना था लुंगी डांस, भाई साहब उसने तो हिला के तबाही मचा दिया भाई। अब मेरे हिसाब से ये गाना तबाही मचा सकता है, लेकिन भाई साहब यार 5 गाना हो गया यार, समझ लो हर गाना का अगर 3 मिनट 15 से 20 मिनट का गाना ही चला गया। अब भाई देखो गाना जब इतना रिलीज हो गया तो अब मेरे को लग रहा है कि टेलर का जरूरत है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा गाना में हर कोई का शकल दिखा दिया गया, लुक दिखा दिया गया, स्टोरी दिखा दी गई। अब मेरे को लगता नहीं जो फैंस होंगे वो भाई साहब टेलर का वेट कर रहे होंगे, हो सकता है कि टेलर अब तो गाना आ जाए तो हो सकता है 2 से 3 दिन के बाद फाइनल ट्रेलर आ जाए, उसके बाद से और कोई गाना ना हो, बस यही उम्मीद करता, वरना भाई इस मूवी के अंदर सिर्फ गाना ही गाना भरेगा। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।